भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। हमारे पुराणों और सभी ग्रंथों में उनकी इस अपरंपार शक्ति का रहस्य बताया गया है, उनके अवतारों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। लेकिन जिस तरह से हमारे पुराणों में भगवान विष्णु के 9 अवतारों और भविष्य पुराण में उनके कल्कि अवतार का वर्णन किया गया है, उस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के आगे होने वाले अवतारों का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए ये बात कहना सही है कि किसी को भी ये मालूम नहीं कि उनका अगला अवतार धरती पर कब आएगा और कब धरती पर अवतरित होगा। आज लोकल जर्नी चैनल के इस वीडियो में आपके इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे। दोस्तों, लिंग पुराण में भगवान शंकर के 28 अवतारों का वर्णन मिलता है, वहीं उनके पूर्ण नाम का जिक्र उसमें नहीं किया गया है। लेकिन शिव पुराण में उनके 19 अवतारों का संपूर्ण विवरण दिया गया है। अगर हम वेदों और ग्रंथों का गहनता से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि भगवान शिव सथाई, निराकार और अनंत हैं। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है। भगवान भोलेनाथ को उनका भौतिक स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि उनके भौतिक 3 आयामों वाली सृष्टि में उनको आना पड़ता है। शिव पुराण में उनके 19 अवतारों का जिक्र किया गया है। भगवान शिव के विपरीत भगवान विष्णु के अवतार भी सथाई हैं, क्योंकि उन्हें भी भौतिक 3 आयामों वाली सृष्टि में आना पड़ता है। अश्वत्थामा और हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के ही अंश अवतार हैं, जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। अगर हम अपने पुराणों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प वर्ष कहा जाता है, और भगवान शंकर उस कल्प वर्ष के अंत में धरती पर आते हैं और विनाश करते हैं। भगवान शंकर यही तो करते हैं, और उनके इस कार्य के बाद ही नए युग का सृजन हो पाता है। इसी तरह हमारा कलयुग भी 4,32,000 साल का है, और अभी कलयुग के 5,000 साल पूरे हुए हैं। जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब इस 3 आयामी धरा पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अवतरित होगा और पाप का नाश करके धर्म की स्थापना करेगा। उस समय हनुमान जी और परशुराम जी जो अमर हैं उनका साथ देने के लिए सबके सामने आएंगे। इस 3 आयामी सृष्टि पर अमरत्व का महत्व इन 4 युगों से ही है, क्योंकि जब एक महायुग समाप्त होगा यानी कि 4 युगों का अंत होगा, तब सब भौतिक और अमृत चीज़ें और सारे शरीर नष्ट हो जाएंगे। ये सब भगवान शंकर के कारण ही संभव हो पाता है। सभी पुराणों में विस्तृत वर्णन कर बताया गया है कि परलय भगवान शिव का ही एक विनाशक स्वरूप है, जिसकी शक्ति के तेज से कोई नहीं बच पाता। इस तरह सृष्टि के अंत में भगवान शंकर वो विनाशक परलय लाएंगे जो भौतिक वस्तुओं को ख़त्म कर देगी। इस परलय में केवल वो ही बच पाएगा जो शिव भक्ति की भक्ति में विलीन रहेगा। इसके बाद शुरू होगा सतयुग और एक नया दौर, जिसमें धर्म सृष्टि में स्थापित रहेगा, नए रूप में सृजन होगा, और फिर विष्णु भगवान का कार्य फिर से शुरुआत हो जाएगा। इस तरह हर युग में भगवान शंकर आते हैं और नए युग की शुरुआत में सहयोग करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एक से बढ़ के एक नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहते हैं। जय श्री कृष्णा।